जराए बता रहे हैं कि साबिक सदर अशरफ गनी इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, और कल भी हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जराए का ये बताना है कि ये ताजिकिस्तान पहुंचे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि ये उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब, ये कहेगा क्या खबरें सामने आ रही हैं, कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कल तो हम सुन रहे थे ताजिकिस्तान में, आज उज़्बेकिस्तान में, कहाँ पर है वो? हाँ बिल्कुल, इस हवाले से जो कंफर्म्ड इत्तलात आई हैं कि कल काबुल से जब फरार का रास्ता अपनाया था अशरफ गनी ने, तो वो उज़्बेकिस्तान पहुंचे हैं, और उज़्बेकिस्तान में जिस जगह वो मौजूद हैं वहाँ हमारे ज़राए से बात हुई है, सारे मॉनिटरिंग जो हो रही है उसमें उन्होंने कुछ वेस्टर्न कैपिटल्स हुकूमतों को कहा कि जी उन्हें अब अजाइलम दिया जाए, तो उज़्बेकिस्तान के बाद वो अगली मंजिल की भी तलाश में है कि कौन सा मुल्क उनको अजाइलम देता है। उनकी जो प्रेफरेंस है वो अमरीका जाने की है, अजाइलम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक और जो अहम चीज़ सामने आई है, जो अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहाँ से जो दस्तावेजात मिले हैं, जो एविडेंस मिली है, चीज़ें मिली हैं, उससे ये पता लग रहा है कि अशरफ गनी, मोहेब और अमरुल्ला साले, इन्होंने 170 लोगों की एक सोशल मीडिया टीम रखी हुई थी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था कि पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाएँ, ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाएं, यूट्यूब पे वीलॉग किए जाएं, इस तरह की चीज़ें ये सारी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। और इन 170 लोगों को जो पेमेंट्स हो रही थी वो अफगान नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट से हो रही थी, और अशरफ गनी और अमरुल्ला साले इन सब के भागने के बाद ये सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने वाले सारे लोग भी वहाँ से भाग गए। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक ज़राए से मुसद्दका खबरों, तज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।